चुनावी भाषण शुरू हो गए हैं और मुद्दे हवा हो गए हैं। दरअसल इस वक्त देश के 5 राज्यों में चुनावी हवा जो है वो बह रही है। उस चुनावी हवा के साथ सियासी हेलीकॉप्टर भी खूब बह रहे हैं, क्योंकि अब भाषणों का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब रैलियों का दौर शुरू होने वाला है, अब सिलसिला जगने वाला है, लगने वाला है। लेकिन उससे पहले एक चीज जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि अभी तक अपने नेताओं का आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपके नेता आएंगे और आप उनके सामने अपने मुद्दे रखेंगे, लेकिन आपको पता है कि होने क्या वाला है। होने दरअसल ये वाला है कि आपके नेता आएंगे और वो अपने मुद्दे सेट करेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद आप उनके मुद्दों पर खुद लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में नजर आएंगे, हुंकार भरेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष निशाना साध रहा है, विपक्ष कह रहा है और बार बार पूछ रहा है कि भाई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये उपलब्धि भी गिनाएंगे कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने कितने ही मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदल दिए। ये वो पूछेंगे और पूछेगा पूरा उत्तराखंड, क्योंकि मैं और मेरे साथ आज पूछ रहा है उत्तराखंड कि आखिर पीएम मोदी की रैली के सहारे अब धामी की नैया पार लगेगी। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ता हूं, ताकि बहस के दौरान आपको उनका जवाब अपनी सीमित क्षमता के हिसाब से मिलता रहे। क्योंकि अब जब भाषणों का दौर शुरू हुआ है, जब अब रैलियों का दौर शुरू हुआ है, तो एक तरफ बीजेपी नजर आएगी, एक तरफ कांग्रेस नजर आएगी और सामने नजर आएगी आम आदमी पार्टी। सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन क्या कोई अपने दावों पर, अपने वादों पर पूरी तरह से पास हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या जनता रिजल्ट कार्ड पर भरोसा करती है? क्या आपको नहीं लगता कि जो मुद्दों जिन पे हम बात करते हैं, 5 वर्ष तक सोचते हैं और चुनाव आने से पहले सोचते हैं कि जब चुनाव पास आएंगे, जब हमारा नेता हमारे सामने आएगा, तब हम उससे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्या आप उन मुद्दों पर उनसे बातचीत कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप बातचीत करते हैं उन मुद्दों पर जो मुद्दा वो आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कल देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली है। उस रैली में दरअसल उत्तराखंड की क्या समस्याएं हैं उस पर सवाल जवाब तलब नहीं होंगे, वही खाता तलब नहीं होगा। होगा क्या? होगा यह कि चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक होगा, एक मुद्दा होगा, एक एजेंडा होगा जो उनके द्वारा सेट किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे आपका परिचय भी कराऊंगा। हमारे गेस्ट को एक बार स्क्रीन पर लीजिएगा सभी को, ठीक है? हमारे जितने भी गेस्ट उनको स्क्रीन पर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले सभी गेस्टों का स्वागत है, उनसे परिचय भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं बात रख रहा था उसको कंप्लीट करता हूं कि अब ऐसे में जब नेता खुद ही अपना एजेंडा सेट करते हैं, नेता खुद ही अपने मुद्दों को जगह देते हैं, तो क्यों ना जितने भी बेरोजगार हैं उनको भी अपना घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है, हम आपके द्वारा बनाए गए मुद्दों पर लड़ाई लड़ लेते हैं, हम 5 साल और बेरोजगार रह लेंगे। जो लोग पलायन की समस्या से त्रस्त मानते हैं उत्तराखंड को, उन्हें भी अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए मुद्दों पर हम लड़ लेंगे, हम 5 साल और यूं ही पलायन करते रहेंगे। महंगाई से जो लोग त्रस्त है वो भी यही बात कह सकते हैं कि हम 5 साल और महंगाई को झेल लेंगे, क्योंकि होना तो यही है, नेता जो एजेंडा जो मुद्दा सेट करेंगे आप उसी पर तो लड़के। ऐसे में मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी से आपका तारुफ कराता हूं, का परिचय करा देता हूं। वीना जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। नवीन ठाकुर जी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। संजय भट्ट साहब है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। अजय राणा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम पूछता है उत्तराखंड। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आऊंगा, ठीक है? लेकिन नवीन जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना विपक्ष के नेता को पहले इस पर जवाब ले लूं, फिर पूछ लूं। तो वीना जोशी जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी कल देहरादून में आ रहे हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में आएंगे और पूरी की पूरी जो सियासी हवा है उसको पलट कर रख देंगे, सब कुछ भाजपामय हो जाएगा, कब तक कहां तक सहमत है? वो लोग इस तरीके के हवाई ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की रैली जो होने वाली है
ये इस रैली से हमारे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर कोरोना का, मुझे लगता है कि कोरोना का प्रकोप फैलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा कहती है कि हमने कोरोना के लिए बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे वो करे हैं कि मास्क पहनो, ये करो, रैलियां मत करो, भीड़ भाड़ ना करो, ये सब कुछ, आप ये बताइए कि इस रैली से ये क्या जताना चाहते हैं देवभूमि को? ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इस तरीके की भीड़ जुटाने का मतलब हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कोरोना के प्रकोप को फैलाना है। ठीक है वीरा जी, हम ये कहना चाहते हैं। और इस रैली से ये सोच रहे होंगे कि पूरा उत्तराखंड भाजपामय हो जाएगा, तो ये इनकी इनके सपने हैं, सपनों को सपने रहने दीजिए, इनके सपने सपने ही रह जाएंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि ये किसका है। ठीक है, सपने देखना ठीक है। वीना जी आपसे ये पूछना चाह रहा था मैं कि वीना जी आपने कहा कि ये जो रैली है इसमें कहीं ना कहीं कोरोना का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा इस रैली के द्वारा, तो क्या कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड में कोई भी रैली फिजिकल तौर पर नहीं की जाएगी? हम ये कहना चाहते हैं, इससे पहले जब हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे जब उत्तराखंड में लगातार परिवर्तन यात्राएं जगह जगह निकाल रहे थे, तो क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा था? उससे क्या फूलों की खुशबू फैल रही थी? कोरोना यहाँ पर नहीं आया हुआ था, और अब कोरोना के जो मरीज है वो दिन पर दिन उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, और हम जन भावना को, जन सुरक्षा को देखते हुए यदि हमें लगेगा कि हमारी जनता इससे सुरक्षित नहीं है, तो उन जन भावना को, जन सुरक्षा को, आपको क्या लग रहा है कि सुरक्षित है कि नहीं, सुरक्षाओं को देखते हुए करेंगे। आप ये बताइए वीना जी, आप जैसे कि कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ेगा, दरअसल अगर फिजिकल गैदरिंग होगी तो उससे कोरोना बढ़ेगा, तो क्या कांग्रेस, ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग हो जाएगी है, अगर आप बोल देंगी तो ये ब्रेकिंग हो जाएगी कि कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड में कोई भी फिजिकल तौर पर रैली नहीं करेगी? नहीं, हम कौन होते हैं ब्रेकिंग करने वाले, ब्रेकिंग करने वाले तो जो भाजपा के लोग हैं। मतलब आप भी हवा हवाई बातें कर रही हैं, जैसे आपने बीजेपी के लिए बोला वही बातें आपकी भी हैं क्या? फिर कि कांग्रेस कोई भी ऐसी रैली अगर करेगी तो वो पहले जन भावना को, जन सुरक्षा को देखते हुए इस कदम को बढ़ाएगी उससे पहले, क्योंकि जनता के हित में जो होगा वही कांग्रेस करेगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, WHO ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है जहाँ पर ये बताया गया हो कि कोरोना जो है वो दरअसल ओमिक्रॉन जो उसका वेरियंट आया है वो दरअसल कहीं भी जन भावना को समझता हो, तो ये जन भावना, कोरोना, फिजिकल गैदरिंग एक साथ कैसे आ गए? मैंने बोला जन हित में अगर होगा तो हम, अगर हमें लगेगा कि जनता के हित में नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे, अगर हमें लगेगा जनता के हित में है तो करेंगे हम ये, मैंने ये नहीं बोला कि हम इसे करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल, एक पॉइंटेड सवाल, डायरेक्ट सवाल, बिल्कुल भी जलेबी मत बनाइएगा, बिल्कुल सीधी सतर स्पष्ट बात करेंगे। 16 दिसंबर को राहुल गांधी भी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो क्या वो कोरोना लेकर आ रहे हैं? देखिए हम अभी ये रैली कोई फिक्स नहीं हुई है, हो सकता है इस रैली पे हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं, अभी तक खबरें आ रही, अभी तक स्पष्ट तौर पर ये खबर आई है, इसको डिनाई नहीं किया गया है, 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो 4 दिसंबर को जो पीएम मोदी आ रहे हैं वो कोरोना लेकर आ रहे हैं, तो क्या 16 दिसंबर को राहुल गांधी भी कोरोना लेकर उत्तराखंड में आ रहे हैं? दिसंबर फिक्स नहीं हुए, इस पे हमारी पार्टी के जो लीडर है, हाई कमान जो है, इस पे विचार विमर्श करेंगे, फिर उसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष जो हमारे लीडर है, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे नेता प्रत्यक्ष है, चाहे प्रभारी जी है, वो इस पर डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है, नवीन ठाकुर जी पर आऊंगा। नवीन जी आप प्रवक्ता है बीजेपी से, आपसे सीधा सवाल तो सबसे पहले यही है कि अब क्या पीएम मोदी के सहारे उत्तराखंड को क्लीन स्वीप जीतने की तैयारी है? पहली चीज। दूसरी चीज कि जब पीएम मोदी कल अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे कि उत्तराखंड में उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा क्या क्या किया गया, तो क्या वो ये उपलब्धि भी गिनवाएंगे कि उनके द्वारा सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी बदल दिए गए? जी देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर मैं आपका जवाब दे दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल भारत के ही नहीं, इस वक्त विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, और अगर वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष में प्रोग्राम है, विपक्ष घबराया हुआ है, और इस कारण जो प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल उठे। तो दूसरी बात, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 चेहरे बदले,
तो इस प्रदेश की जनता जानती है चेहरे बेशक भाजपा ने बदले लेकिन विकास का पहिया उत्तराखंड में नहीं रुका। अच्छा, विकास अनवरत जारी रहा। इस काम को किरण सिंह रावत जी कर रहे थे उसको तीरथ सिंह जी ने आगे बढ़ाया। इस काम को तीरथ सिंह जी कर रहे थे उसको पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के पर्व में जनता जिसको अपना आशीर्वाद दे दे, आप समझ लीजिए जनता ने जो है उसके काम पर मोहर लगा दी, उसके विकास पर मोहर लगा दी। जब हमने त्रिवेंद्र जी को बदला और तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उपचुनाव हुआ राज्य विधानसभा का। उत्तराखंड की जनता ने भरपूर आशीर्वाद ले और अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया। उत्तराखंड की जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है और कौन सी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। जो विकास की आपकी जो डायरी है, एक सेकंड रुकिएगा नवीन जी, विकास की जो आपकी डायरी है उसमें जो डायरी में जो चीजें आपने अंकित कर रखी हैं, क्या उसमें पलायन आपने अंकित किया है या नहीं किया है? आपने विकास की डायरी में महंगाई का जिक्र किया है कि नहीं किया है? आपने अपने विकास की डायरी में बेरोजगारी का जिक्र किया है कि नहीं किया है? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। नहीं, थोड़ा नहीं, मैं पूरा प्रकाश डालूंगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं डायरी में अंकित नहीं किया, मेरे दिल में अंकित है क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे संगठन ने काम किया है। इस प्रदेश की जनता के दिल में अंकित था क्योंकि उन्होंने लगातार 17 के बाद, चाहे 19 में लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे उसके बाद पंचायतों के चुनाव रहे हो, चाहे निकाय नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हो और चाहे 3 उपचुनाव इस प्रदेश में हुए हो, उत्तराखंड की जनता ने विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के काम पर जो है मोहर लगाई और हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया। ठीक है, बाकी मुद्दे आपने कहे, महंगाई, बेरोजगारी, हाँ उसके लिए भी हमने काम किया। अभी महंगाई को लेकर जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़ रहे थे लेकिन हमने 12 रुपए कम किए। विपक्ष से पूछना चाहूंगा, राजस्थान में सबसे महंगा नहीं, नहीं, विपक्ष से मत पूछिए, विपक्ष से मत पूछिए, आप जनता को जवाब दे दीजिए। विपक्ष भी उसी सरसों के तेल से खाना बनाता है जिस सरसों के तेल से आप खाना बनाते हैं। विपक्ष भी वही पेट्रोल डीजल डलवाता है जो आप डलवाते हैं। विपक्ष भी पलायन के, विपक्ष के लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं जैसा कि आपकी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। सबसे अलग दूसरा सवाल आपसे ये बताइए, कनेक्टिविटी को लेकर भी एक बड़ी गंभीर चर्चा है। उत्तराखंड के मेरे लोग हैं वो कहते हैं कि कनेक्टिविटी ही नहीं मिली आज तक। आप क्या लोगों के दिलों में जाने की बात करते हैं? आप उनसे फोन पर भी बात नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल्स नहीं आते पहाड़ी क्षेत्रों में। आप उनके दिल में ठहरने की बात करते हैं? आप उनके फोन में एक सिग्नल का, उनके फोन में एक सिग्नल का तार नहीं दे सकते? हम उत्तराखंड में लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारा खास कार्यक्रम है एक मेरा गांव और मेरी बात, इस हिसाब से कार्यक्रम है हमारा जिसमें हम गांव-गांव के लोगों तक बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांव में, उत्तराखंड के गांवों में क्या समस्या है। और बड़ी ही गंभीरता के साथ आपको एक बात बताता हूं और रोष के साथ भी बताता हूं कि हमारे 3 दिन से चल रहे इस कार्यक्रम में 4 गेस्ट भी ऑनलाइन तौर पर बैठाना मुश्किल हो चुका है क्योंकि किसी भी गांव में पहाड़ी क्षेत्र के सिग्नल की इतनी समस्या है जिसकी जितनी बात की जाए कम है। तो जब सिग्नल की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, हम ये बात मानते हैं कि आप ही क्या विपक्ष के भी किसी लोग ने गांव के उस आखिरी पंक्ति में बैठे ननकू, आखिरी पंक्ति में बैठे रज्जाक से बात करने की कोशिश नहीं की होगी? हमने की और ये चीज महसूस की कि कनेक्टिविटी तो है नहीं। और ताल ठोक के बात कहता हूं कि कनेक्टिविटी है नहीं और दिल में ठहरने क्या बात करते हैं, जवाब दीजिए। आपके सवाल अगर पूरे हों सूचित तो मैं बोलना शुरू करूं? नहीं, अगर जवाब है तो बोलना शुरू करिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। नहीं, फिर बीच में फिर आपके सवाल आ जाते हैं ना, मैं जवाब शुरू करता हूँ फिर आप एक तरीके से सवाल करते हैं। नहीं, परेशान ठीक है, उसके बाद शुरू करता हूँ। ठीक है नवीन, ठीक है नवीन जी, जवाब। आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी होगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज चमोली के अंतिम छोर तक केबल बिछाने का काम, 79 लाइन बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो हमारे विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं जब सवाल पूछता हूँ बोलते हैं ना, विपक्ष को छोड़ दीजिए, बस उनसे मत पूछिए, बस आप ही बताइए सब कुछ जितना काम हमने किया। आपकी बातों पर मुस्कुराने को जी करता है, ताली बजाने को जी करता है। आप कह रहे हैं सारे सवाल हम ही से पूछिए, विपक्ष से मत पूछिए। अरे भाई, सत्ता में कौन है? आपको सत्ता दे दीजिए, आप हार मान लीजिए, मैं सारे सवाल इनसे पूछ लूंगा। सत्ता में आप हैं, सवाल होंगे, आपके जवाब देंगे। नहीं, आप विपक्ष, मैं 5-in-1 डिबेट, आपके चैनल पर हमेशा 5-in-1 डिबेट होती है, और तो विपक्ष होंगे, एक प्लस एंकर होगा, 5-in-1 5 वर्सेस भाजपा डिबेट आपके यहाँ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे दर्शक मैसेज पढ़ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना काम हमने किया उस
उसका 10% भी अगर विपक्ष ने किया होता तो आज इस सीटों की समस्या नहीं आती। क्या विपक्ष ने और ज्यादा रोड बना दिया था? क्या विपक्ष ने ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए थे? क्या विपक्ष ने जो 500 बेड के हॉस्पिटल बनाए थे? क्या विपक्ष ने 1200 तक रेल लाइन बिछा दी थी? क्या विपक्ष ने आज आप देख ले गाय काली से और देहरादून तक जहाँ पर सिग्नल बिल्कुल नहीं है, 21 बार चरण जो है उत्तराखंड बन गया, वहां पर भी सिग्नल का काम चल रहा है माननीय अनिल बलूनी जी के जो है सहायता से और उनके प्रयास से वहां पर भी कनेक्टिविटी आने वाली है। आने वाले समय में हमने तो 6000 गांव को जो है केवल कनेक्शन से जोड़ दिया, वाईफाई से जोड़ दिया है और 80 से जोड़ दिया है, और आने वाले समय में उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक सिग्नल पहुंचेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, लगातार काम हो रहा है। बहुत काम विपक्ष छोड़ के गया था। मैं बार बार से लिखना चाह रहा हूँ कि जितना हम कर रहे हैं उसका 10% भी इन्होंने किया होता, 10%। ये बार बार सवाल भी लंबी फेरे जब उठाते हैं तब मैं इनसे पूछता हूँ, 70 वर्ष तो आप थे, ठीक है, परेशान मत करो, ठीक है, चलिए। केवल दो एम्स बनाए 70, मैं परेशान नहीं हूँ, शाम तो 5% होंगे, मैं परेशान नहीं हूँ। काम किया है, मैं जवाब दूंगा, हमने 22 एम्स बनाए, आज विपक्ष से क्यों नहीं पूछते 70 साल में 2 एम्स बनाए? क्यों नहीं पूछते हमने जो है 8,000-9,000 किलोमीटर केवल लाइन बिछा दी, इन्होंने कितने बिछाए? आप क्यों नहीं पूछते कोरोना की पहली लहर में केवल एक ऑक्सीजन प्लांट उत्तराखंड में था, 75 है? नहीं, आप देखिए, समस्या दरअसल यह है कि अगर बीजेपी बताएगी कि क्या सवाल पूछ रहे हैं क्या सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है नवीन जी, जो सवाल पूछने हैं पूछने दीजिए, अगर आपको बताना है तो एक काम करिए, आप पहले पत्रकारिता कर दिए, इंटर्नशिप करिए, फिर रिपोर्टिंग करिए, फिर रिपोर्टिंग करने के बाद आप यहाँ बैठकर सवाल करिए, ठीक है। चलिए अब मैं आऊंगा संजय भट्ट साहब पर आऊंगा, प्रवक्ता है आप आम आदमी पार्टी से। संजय भट्ट साहब, उत्तराखंड में नया सफर, नई शुरुआत, एक कनेक्शन फील हो रहा है लोगों का कर्नल अजय कोठियाल को लेकर, कह रहे हैं कि पूर्व सैनिक है तो एक कनेक्शन है, एक भावना जुड़ रही है। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ठीक है कर्नल अजय कोठियाल तो सेना के हो सकते हैं लेकिन उनके जो कैप्टन हैं वो तो दरअसल राहुल गांधी हैं, तो काम तो कैप्टन को देखकर होगा। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है? दूसरी चीज, जब मैं अपने सत्ता पक्ष में बैठे नेताजी से सवाल करता हूं तो वो कहते हैं कि आप सवाल दरअसल कांग्रेस से करिए क्योंकि वो सारी जितनी भी कुव्यवस्थाएं हैं वो छोड़कर गए थे। तो ऐसे में आपसे सवाल यह है कि कल अगर आप सत्ता में आते हैं तो अगर कोई चीज ठीक नहीं नजर आती है तो क्या फिर आप उसके लिए पूर्व की सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगे? जवाब देखिए, पहली बात तो यह है कि भी जो सत्ता में है सवाल उसी से किया जाएगा। यह अलग बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 से सत्ता में है लेकिन वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की, सवालों के जवाब उन्होंने कभी मोदी जी ने नहीं दिए, पत्रकारों को सवाल के लिए बुलाया ही नहीं तो जवाब देने की तो बात ही नहीं आती। तो जैसा गुरु वैसा चेला, दे नरक में ठेलम ठेला, वही वाली बात है। जब माननीय प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो फिर प्रवक्ता कहाँ से सवालों के जवाब खुद लेने के लिए तैयार होंगे सत्ता में होने के बावजूद भी। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और पत्रकारों प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करेंगे? देखिए एक मिनट रुकिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप ब्लूप्रिंट दीजिए कि जो जो समस्याएं हैं उन पर समाधान क्या है। बेरोजगारी की बात करें बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ों के साथ कि ठीक है दिल्ली में आपने इतने रोजगार दिए, हमने दिल्ली में इतने रोजगार दिए, ये रहे आंकड़े, ये रही बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, और इसके साथ हम उत्तराखंड में आ रहे हैं और इसी ताकत के साथ, इसी फोर्स के साथ हम यहां पर भी काम करेंगे। तो थोड़ा सा समस्या के साथ समाधान पर बात, ये ऊपरी ऊपरी हवाई बातें, ऊपरी लेयर की बातें नहीं। आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, एक यूनिट भी पैदा नहीं होती और दिल्ली में बिजली फ्री दे रही है केजरीवाल सरकार, इसमें कोई दोराय नहीं है। जहां तक बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड तो आपको भी मालूम है कि होती है, उत्तराखंड एक तरफ से बिजली का किसान है कि जो किसान पैदा करता है उसी को वो चीज नहीं मिलती, बल्कि कोरोना काल में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए। जहां तक बात है, आपने कहा कि रोजगार की बात करें तो उत्तराखंड से लगभग 30 लाख लोग पलायन करके दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिल्ली में उन्हें रोजगार मिला है, जैसा भी रोजगार मिला उन्हें रोजगार मिला और वो रोजगार वहां दिल्ली में कर रहे हैं। आज देखिए उत्तराखंड में लोग आज से ही दिल्ली में पलायन नहीं कर रहे हैं,
जब आपकी सरकार थी तभी से नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी पलायन होता था, और इससे पूर्व की सरकारों में भी हमेशा दिल्ली में लोग जाते रहे हैं, वो एक अलग मसला है। उत्तराखंड के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या ब्लू प्रिंट है, टू बी एग्जैक्ट? जी बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात का दूसरा पहलू भी है कि उत्तराखंड से पलायन होता आया है, लगातार पलायन होता है, और पिछले 21 सालों से जो यहाँ सरकारें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही, जिन्होंने रोजगार देना था जनता को उन्होंने रोजगार दिया 11 मुख्यमंत्रियों को। आप भी समझ सकते हैं कि 21 साल में ज्यादा से ज्यादा 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री है पूरे के पूरे 11। तो ये 21 सालों में 11 मुख्यमंत्रियों को रोजगार दिया, उनके परिवार को रोजगार दिया। हमारी अगर बात करते हैं तो हम सीधे केजरीवाल जी ने अपनी गारंटी दी है, और उन गारंटी के अनुसार 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री की बात की है। रोजगार की जहां तक बात है, वहां 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की है, और साथ में 5,000 रुपए बात की है। देखिए प्रवचन पर नहीं, देखिए सुनिए, आप एक बात को समझिए थोड़ा सा संजय जी, आपने कहा कि 1,00,000 रोजगार देने की बात की है, प्रवचन पर नहीं वचन पर बात करिए, कैसे देंगे? उन्होंने भी कहा है 4,00,000 देंगे, उन्होंने भी कहा है 2,00,000 देंगे, 10,00,000 देंगे, ये ठीक नहीं है। ऊपरी आंकड़े, ये लाख लाख इतने रोजगार देंगे, आप देंगे कैसे, क्या है, कैसे देंगे? जी बिल्कुल, देखिए 56,000 तो नियुक्तियां सरकारी खाली पड़ी हैं उत्तराखंड की विभिन्न विभागों में, उनको चाहती तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर सकती थी, इन्होंने लेकिन रोजगार देने का काम नहीं किया इसलिए ये नहीं भर पाए। अब इनके इसके लिए नीति और नियत चाहिए, नीति और नियत इनके पास है नहीं, नीति इनकी फेल है और नियत इनकी खराब है। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो 32 पुल गिर गए, जो एक एक दो संजय जी आप रोजगार, संजय जी देखिए आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपने कहा कि बीजेपी सरकार जो है उसके पास ना तो नियति है और ना ही नीत है, इसके साथ ही आपने कहा कि 56,000 जो जगह है वो खाली है, वैकेंसीज हैं, 56,000 की बात हो गई, बाकी 44,000 कैसे भरेंगे, क्या नीति है? नियत की बात हो गई कि नियत नहीं थी, 56,000 वैकेंसीज को नहीं भरा गया, 44,000 जो खाली है उनके लिए क्या नीति है आपके पास, क्योंकि आपने 1,00,000 का वादा किया। देखिए जी, हमारी सरकार आने पर उत्तराखंड में उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की राजधानी बनाया जाएगा। जब विश्व भर के हिंदुओं की राजधानी बनाएगा उसमें पर्यटन के लिए इतने ज्यादा चांसेस होंगे, और पर्यटन आप भी अगर उत्तराखंड को जानते हैं तो उत्तराखंड में पर्यटन के इतने अधिक चांस है। अजय राणा जी, हिंदुओं की राजधानी कैसे बनाया जाएगा, सांस्कृतिक राजधानी समझ में आता है, हिंदुओं की राजधानी का मतलब थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी, विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी। ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तराखंड के हर गांव में इतने ठीक है, उत्तराखंड के हर गांव में इतने ज्यादा देवी देवता हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे चार धामों को प्रसिद्ध किया गया और चार धामों में लोग आते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है कि उत्तराखंड में आप चक्रता चले जाएं जहां मासू देवता है, चाहे आप सिद्धबली चले जाए कोटद्वार या दूसरे एक से बढ़कर एक देवी देवताओं के दर्शन के लिए गोलू देवता है, ना जाने कौन कौन से देवी देवता हैं। आप ये कह रहे हैं और इसके साथ ही आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड को विश्व भर की हिंदुओं की राजधानी बना देंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी हिंदू जो है वो केंद्र बिंदु है। हालांकि आपने कहा कि देवी देवता जो है हर गांव में पाए, हर गांव में है, उनके मंदिर हैं, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड को इसीलिए पहले से ही देवभूमि कहा जाता है। अब वरिष्ठ पत्रकार अजय राणा जी के पास चलेंगे। अजय राणा जी, चुनाव लगभग लगभग आ गए, अब चुनाव आए हैं अजय जी, तो अब ऐसे में जो सियासी हेलीकॉप्टर हैं उनका भी उड़ना जो है उत्तराखंड की हवाओं में दिखने लगा है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है देहरादून के परेड ग्राउंड में, क्या है इसके मायने? देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देहरादून आ रहे हैं, और इससे पहले 2017 में भी आए थे, और तब यहाँ उन्होंने एक डबल इंजन की बात कही थी कि डबल इंजन आएगा, बहुत बड़ा विकास होगा, लेकिन 4.5 साल में जनता जानती है कि क्या विकास हुआ है, डबल इंजन से क्या प्लान रुका या नहीं रुका है। मैं इसके लिए केवल बीजेपी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, कांग्रेस भी उतना ही दोषी है। कांग्रेस 2002 में आई, उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, दोनों पार्टियों ने न प्लान पे काम किया, न रोजगार पे काम किया, न पर्यटन पे काम किया, केवल भ्रष्टाचार, भू माफिया, खनन माफिया का जो बढ़ावा इन दोनों पार्टियों में मिला है। और अब तीसरे उसमें
आम आदमी पार्टी जो है हल्का सा जो है उत्तराखंड में दस्तक दे रही है, और आम आदमी पार्टी का जो है एक सफल एजेंडा है कि पहाड़ में कर्नल कोठियाल को आगे करके जो है सैनिकों को और देश प्रेम की भावना से उनको कैद किया जाए, और मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार की राजनीति है, भाजपा अगर हिंदू की राजनीति कर रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है हिंदू के खिलाफ डर दिखाकर जो है मुस्लिम तुष्ट की राजनीति कर रही है। तो कोई भी दल हो, किसी ने उत्तराखंड में कभी पलायन, रोजगार, पर्यटन किसी तरह की बात नहीं की है। केवल सत्ता में आने का मकसद है कि भ्रष्टाचार करना, रोजगार अपने अपने भाई भतीजावाद करना। बाकी आज तक जो है अभी तक क्या कोई विधायक कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, उत्तराखंड क्रांति दल को, बहुजन समाज पार्टी जो भी रहे या निर्दलीय रहे हो, क्या कोई विधायक इस बात को कह सकता है कि उसने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह दूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता रही या भाजपा की सत्ता है, क्या इन्होंने किसी विधायक या मंत्री के खिलाफ जो है कोई कोर्ट में या थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है? केवल जनता को बरगलाने के लिए, वोट की राजनीति को करने के लिए एक दूसरे पे जो है आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों नहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जो है, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है, अगर लालू यादव जेल गए हैं तो कहिए ये ना मंत्री जेल गए और राज्यों में, आप भी कीजिए, कहिए आप कोर्ट में जाइए, मुकदमा दायर कीजिए आप कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन किसी भी दल को, उत्तराखंड की जनता इतनी जो है मायूस हो चुकी है। और अब मैं आपको बता दूं, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, मैं पूरी जेल गया हूं, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती जो की है, इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया था और ये हमने जो है ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो महान भ्रष्टाचारी साबित हुए। इन्होंने अपने घर के आदमी को अगर हमने सत्ता सौंपी है तो इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। कोई रोजगार नहीं, कोई पलायन पे कोई रोक नहीं, किसी तरह का इनका जनता से कोई मुद्दा नहीं है, केवल गद्दी हासिल करना इनका मेन मकसद है। किसी तरह से जो है आप देखिए, जो विधायक चाहे किसी भी पार्टी का विधायक का छोटा नेता हो, अगर आप 2000 का उसका स्टेटस देख लीजिए उत्तराखंड बनने से पहले और आज उसका देख लीजिए, मैं कहता हूँ इतना तो राजा भोज का भी नहीं रहा होगा जितना इनका विधायकों का, नेताओं का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का रहा है। ये पीड़ा आम जनता की है कि उनको जो है किसी ने नहीं पूछा, वो आज भी संघर्ष कर रही है और न जाने कब तक संघर्ष करती रहेगी। ठीक है अजय जी, जितनी आपकी बातों को मैं समझने की जितनी मैंने कोशिश की, कहीं ना कहीं ये इशारा है कि उत्तराखंड में एक विकल्प की भी तलाश जो है उत्तराखंड की जनता देख रही है, विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी आजमा लिया गया, कांग्रेस को भी आजमा लिया गया, तो इस बार क्या विकल्प की तलाश है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विकल्प की तलाश करता है, लेकिन विकल्प कौन? अगर आम आदमी पार्टी अगर दस्तक दे रही है तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जिस प्रकार सत्ता रही है उसको देखते हुए उत्तराखंड, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का जो पहाड़ का मतदाता है वो राष्ट्रीय सोच पे जो है वोट करता है, वो मतलब देश प्रेमी सैनिक बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो है इस बात को जरूर देखता है कि देश के प्रति कौन जो है, कौन सी राजनीतिक दल का जो है अपना एजेंडा है और कौन जो है राजनीतिक दल का विरोध करता है। मैं आपको बता दूं, आप पहाड़ में जाइए, कोई अगर किसान खेती कर रहा है आप उससे पूछिए तो सेना को बड़ा महत्व देता है, लेकिन सेना सैनिक को महत्व देता है, लेकिन राजनीतिक दलों में अगर आप बात करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है सैनिकों के साथ है तो उसमें आपका जो उसका करारा जवाब मिलेगा शायद जो है किसी पार्टी को नहीं, वो केवल सैनिकों को महत्व दे रहा है। अब इस क्रम में मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी पहाड़ में जो है कर्नल कोठियाल को आगे करके सैनिकों का दिल जीतना चाहती है, ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में फिर उसका जो एजेंडा होगा वही भाजपा का, अगर हिंदूवादी एजेंडा है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है हिंदूवादी के डर से मुस्लिम को जो है एकजुट करना है। तो आम आदमी पार्टी का भी कोई जो है खास उत्तराखंड के विकास के लिए इन्हीं की तरह कोई एजेंडा नहीं है, केवल सब यहाँ की जो सत्ता को जो है यहाँ की राज गद्दी पहुंचे आना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दल जो है उत्तराखंड के विकास, पलायन को रोकने, पर्यटन को बढ़ाने, वन जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए जो है यहाँ का जो आर्थिक विकास करने का जो है किसी में कोई सपना हो, केवल एक सपना है कि किसी तरह से जो है गद्दी हासिल की जाए। ठीक है, पूरी बात का अजय जी आपका जो लबोलुआब था वो ये था कि शाम दाम दंड भेद जाति धर्म हर तरह से सिर्फ जीतना ही इनकी सोच है, बाकी विकास की जो बात ही करते हैं वो दरअसल सिर्फ बात ही करते हैं। और बाकी हमारे आम आदमी पार्टी के जो नेता जी संजय भट्ट साहब जो प्रवक्ता हैं, वो जब आपने विकल्प की बात की तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे,
लेकिन जैसे ही आपने बताया कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तब से मुस्कान जो है वो गुम हो गई थी। ठीक है, चलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ आपको, कर्नल कोठियाल व्यक्तिगत तौर पे जब कर्नल कोठियाल की बात जो है उत्तरकाशी से गंगोत्री से लड़ते तो लोग उनको चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी ये सोचे कि हाँ कर्नल कोठियाल को मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं उनको आम आदमी पार्टी के बैनर से जो है क्षति भी पहुंच सकती है। उनका जो भी वोट आएगा उनके व्यक्तिगत, उन्होंने वहां जो काम किए हैं पहाड़ के लिए, जो काम किए नौजवानों को जो है कैंप लगाकर जो सेना में भर्ती किए हैं, वो उनको जो भी आएगा वो व्यक्तिगत तौर पर आएगा। ठीक है, वीना जोशी जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस से। वीना जोशी जी, ये बताइए कल पीएम मोदी की जो रैली है और बातचीत चल रही है कि 7 ऐसी रैलियां जो है वो होनी है, एक कुमाऊं रीजन में होगी और दूसरी गढ़वाल रीजन में होगी, बाकी 5 लोकसभा सीटों पर होगी। तो ऐसे में अगर ये रैली ना करते, प्रधानमंत्री मोदी अगर ना आते, तो आप लोग ये आरोप लगाते कि प्रधानमंत्री मोदी जब इससे पहले 2017 में आए थे तब उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात की थी, लेकिन इस बार वो कोई भी जवाब देने के लिए वापस नहीं आए, वो कोई भी रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए वापस नहीं आए, तो आप ऐसा आरोप भी लगा सकते थे। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी देहरादून आ रहे हैं, परेड ग्राउंड आ रहे हैं, तो क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं सियासी कोई पलटफेर ना हो जाए? देखिए, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता पूरा मन बना के बैठी है कांग्रेस के प्रति, और इन्हें अपनी खुद की जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी जनसभा की तैयारी करी है। हमें कोई डर नहीं है इनकी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देहरादून में आ रहे हैं कल को, हमें उनसे कोई भय नहीं है, हमें उनसे कोई वो नहीं है डर, क्योंकि हमें पता है। मतलब कोई डर नहीं है, कोई शिकायत नहीं, आपने कहा कोई शिकायत नहीं, मतलब ये मुद्दा ही नहीं आपके लिए? क्योंकि आपने कहा कि अभी उनके आने से क्या आप लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है जो उत्तराखंड देवभूमि की जनता को वो दे सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड देवभूमि के साथ छलावा किया, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, जब जब उन्होंने विकास के कार्य तो दूर सिर्फ विकास किया तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्रियों का विकास करा उन्होंने, और वो क्या जनता को जवाब देंगे? वो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, और जनता अब किसी के बरगलाने में आने वाली नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि की जो जनता है वो बहुत समझदार जनता है, और उन्हें पता है कि उत्तराखंड देवभूमि का भला अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए डर की चीज क्या साबित हो सकती है। आपको बताता हूँ कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय जी, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि कल वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये डर की बात हो सकती है? नहीं, हमें वो माननीय किशोर उपाध्याय जी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो उन्होंने देखिए शुरू से कांग्रेस के लिए अपनी पूरी, मतलब मुझे कहना चाहिए कि अब तो भी पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में बिताई है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का कदम कोई उठाएंगे। नहीं, कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसी अटकलें हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड से, उनके साथ जो उनका सियासी तालमेल है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कल किशोर उपाध्याय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बड़ी खबर है, अगर थाम लिया तो आपको नुकसान हो सकता है? लगता है कि वो इस तरीके का कदम उठाएंगे। ठीक है, परिवार होता है, परिवार में मनभेद मतभेद चलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके का, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, आपको पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे, चलिए ठीक है। बीजेपी के जो नेताजी हैं उनके पास आते हैं, कल क्या कुछ बातचीत होने वाली है, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी पेश करने वाले हैं, क्या कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अगर आप अंदाजे से बता सके तो। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कल उत्तराखंड के लोगों को कई सौगात देने वाले हैं, कुछ जो है लोकार्पण होंगे, कुछ शिलान्यास होंगे, और उनका उत्तराखंड के प्रति विशेष में आप देखिए लगातार उत्तराखंड आते, और केवल चुनाव की अगर बात करें, केवल चुनाव की बात हो तो उत्तराखंड में तो केवल 5 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, एक उत्तर प्रदेश से ज्यादा दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड रहे। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी बुलाए अपने शहजादे को, राहुल गांधी को, किसने मना किया? हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो भली बात ही जानता है, ठीक है, कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही है, तो उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़ दिया, ठीक है, और उनका नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के हाथ में तो डरता है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी की रैली का कोई जवाब दें, या किसी प्रकार से उनका कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ जाए,
लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो अपनी हताशा और निराशा में है, वो इस तरह की बयानबाजी लगातार। ठीक है, पीएम मोदी जी कल रैली कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे भी रहेंगे, इन पर भी पीएम मोदी का जवाब देंगे कि महंगाई का स्तर जो है वो दरअसल उत्तराखंड के एक आम आदमी की कमर तोड़े हुए हैं, इस पर जवाब देंगे? बेरोजगारी जो है वो युवाओं को आए दिन डिप्रेशन के एक समंदर में डुबोने का काम कर रही है, क्या इस पर जवाब देंगे? क्या पलायन की जो प्रमुख समस्या है उत्तराखंड में, जो बदस्तूर जारी है, सरकार दर सरकार चेहरे बदले, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन पलायन की वही तस्वीरें आज भी नजर आती है, क्या इस पर जवाब देंगे? तिलक जी, इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री केवल छोटे उत्तराखंड के लोगों का नहीं, वो पूरे भारत के लोगों को काम से जवाब दे रहे हैं। कोरोना केवल इस देश में नहीं आया, पूरे विश्व में। देखिए उत्तराखंड में, अच्छा ठीक है, अभी एक निर्देश मिला है मुझे मेरे डायरेक्टर की ओर से, एक चीज बता दें, आपने शायद तिलक जी समझ लिया, जैसे आपके यहाँ चेहरे बदलते हैं मुख्यमंत्री के, वैसे हमारे यहाँ भी जो एंकर है वो बदल जाते हैं। तिलक जी नहीं, मेरा नाम कावेंद्र चौहान है। जी ठीक है, आप क्या कह रहे थे? कावेंद्र जी, हाँ मैं आपके यहाँ से जानकारी मिलती थी। ठीक है, जवाब दीजिए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तिलक जी अक्सर बैठते थे, मुझे लगा तिलक जी, और आपका चेहरा यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, जवाब दूसरा, सब प्रवक्ताओं के नाम आ रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है। कावेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी काम से जवाब देते हैं, काम करके उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, आज जो कांग्रेस के लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इन लोगों से पीपी कितनी बनती थी? पहली लहर में जब हम सामना कर रहे थे, पीपी की भारत में नहीं बनती थी। आज 5 लाख पीपी की प्रतिदिन बन रही है। जिस पीपी किट के लिए हम तरस गए थे, हमें जो आयात करने पड़ी, आज हम निर्यात कर रहे हैं। नवीन जी देखिए, कार्यक्रम की जो थोड़ी सी संरचना है, मुझे माफ कीजिएगा, जो डिबेट बहस की जो संरचना है वो थोड़ी सी बिगड़ रही है, थोड़ी सी डीरेल हो रही है। दरअसल समस्या क्या आ रही है कि मैं एंकर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जनता के जो सवाल है वो आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप क्या है, जवाब देने की बजाय जो सवाल जो आ रहे हैं आपकी तरफ, आप उनको कांग्रेस की तरफ भेज रहे हैं। आपको वहीं पर जवाब देने हैं, आपको सवाल आगे नहीं बढ़ाने हैं। ये कोई सवालों की रिले रेस नहीं चल रही है, जहां पर आप सवाल कैच करते हैं और उसको आगे पकड़ा देते हैं। आपको सवाल का जवाब अपने स्तर से ही देने की कोशिश करिए। हर सवाल का जवाब आप कांग्रेस के तरफ मोड़ देते हैं कि कांग्रेस इस पर जवाब दे दे। महंगाई की बात करता हूं, आप कहते हैं कि कांग्रेस जवाब दे। आपसे बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कांग्रेस जवाब दे। आपसे पलायन पर बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कांग्रेस जवाब दे। ठीक है, सुनने कोई जवाब नहीं सुनने। अरे भैया सुन लीजिए, मैंने कब कहा महंगाई पर कांग्रेस जवाब दे? आप अपनी डिबेट रिवर्स करिए। मैंने कब कहा कांग्रेस महंगाई का जवाब दे? आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद ये भी पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? हमने तो किया, हम काम से जवाब दे रहे हैं। और ये भी जनता को पता रखना चाहिए, जो हमने किया, अगर कांग्रेस का 10% भी किया होता तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। आपने कोरोना को लेकर सवाल किया, आपने पलायन को लेकर सवाल किया, मैं उसका बदस्तूर जवाब दे रहा हूँ। क्या आज से पहले आप देखिए, जब कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही, फिर आप कांग्रेस की तरफ पहुंच गए। नवीन ठाकुर जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बात खत्म करिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? कांग्रेस ने जब नहीं किया तभी तो जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया और आपको सत्ता पर विराजमान कराया। अब आप इस पर जवाब दीजिए, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? क्या बेरोजगारी अब आप ये कहेंगे थोड़ी देर बाद की नेहरू जी की वजह से आई, पलायन भी नेहरू जी की वजह से आया? ये सब इन पर मत जाइए। तो कमाल कर रहे हैं। अरे कावेंद्र जी सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। आप अच्छा बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे तो सुन लूंगा, आप कुछ भी बोलेंगे तो नहीं सुन सकूंगा। हाँ ठीक है, नहीं कुछ क्या बोल दिया मैंने? क्या जब हमने इस देश में टीका लाए, क्या प्रत्येक जनता को हक नहीं जानने का? कांग्रेस 20 साल में लाती थी। कोरोना का टीका कितने देशों ने बनाया? 206 देश है विश्व में, केवल 7 देशों ने बनाया। भारत ऐसा पहला देश था जिसने कोरोना का टीका का इजाद किया। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमने 130 करोड़ लोगों को जो है प्रथम डोज लगा दिए। क्या उपलब्धि नहीं है? क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि कांग्रेस तो 15 करोड़ 25 करोड़ पिलाने में 20 साल लग गए थे, लेकिन हमने करके दिखाया। मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ और जनता को यह भी बता रहा हूँ कि कांग्रेस तुलना तक तो तुलना तो होनी चाहिए ना, तुलना तो बता दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है दूसरे प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं, ये केवल जो है भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करते हैं, सवाल का जवाब देते नहीं। लेकिन आप पूरी डिबेट देख लीजिए, एक बार भी अगर आपने सवाल उठाया, एक बार भी आपने बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप प्रधानमंत्री को मत पूछिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन जब मैं आपके सवाल का जवाब देते उसके बाद कांग्रेस में जो है सवाल कर रहा हूँ तो आप रोक दे रहे।
तो भैया आप फिर कभी कांग्रेस पे सुन लीजिए, भाजपा को मत बुलाया करिए। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिए, क्या हमने कांग्रेस अब इस प्रदेश से विदा होगी? बताना पड़ेगा ना, एक ऑक्सीजन प्लांट था, आज 75 है। जब कांग्रेस विदा 116 वेंटिलेटर थे, आज 1067 है। जब कांग्रेस विदा कितने आयुष विभाग थे, कितने ऑक्सीजन सेंटर थे, ये तो बताना पड़ेगा ना। कैसे जनता समझेगी, कैसे जनता बदलेगी? मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस की कमियां ना गिरा बिल्कुल। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम जो है बदल कर कल से, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि आप कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इतना दिया, हमने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, इतना दिया। तो कल से मैं कहूंगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो इस प्रोग्राम का नाम बदल दे, पूछता है उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि हम पूछेंगे उत्तराखंड की बात तो आप कहेंगे नहीं कंपैरिजन कीजिए। तो कल से इस प्रोग्राम का जो नाम है, प्रोड्यूसर से कहूंगा इस प्रोग्राम का नाम बदल दीजिए, बीजेपी और आपका, बीजेपी और कांग्रेस का कंपैरिजन इस प्रोग्राम का नाम रख देते हैं। एक तरफ आपको बैठाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को बैठाते हैं, और एक तरफ मतलब कांग्रेस को बैठाते हैं, और फिर कंपैरिजन करते हैं। आप भी बात रखिए, आप भी बात रखिए, जनता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? जनता के सवालों का आप जवाब मत दीजिए, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। जनता के सवालों का जवाब कहाँ दे रहे हैं आप? कह रहे हैं कि कंपैरिजन करिए भैया, कंपैरिजन क्यों करें? जरूरत नहीं है कंपैरिजन की, आप जवाब देने में सक्षम है तो दीजिए। वैक्सीन किसके लिए बनाई? जवाब दे रहा हूँ आपको, ये भी बता रहा हूँ वैक्सीन किसके लिए बनाई। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अरे कोरोना काल आपकी सरकार में आया, कोरोना का दौर जो था वो आपकी सरकार में रहा, तो वैक्सीनेशन भी आप ही करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं, केरला में भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं। सरकार में था तो इनको करना था, जब पोलियो इनकी सरकार में था पोलियो डोज इन्हीं को पिलानी थी, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी की तुलना कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ केवल इतना ही जवाब दूँ, और ये सब कुछ बोलते रहे, झूठ पे झूठ बोलते रहे, प्रधानमंत्री को गाली देते रहे, प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आने से प्रधानमंत्री को डर लग रहा है, ये सब बोलते रहे। हम ना बताएं कुछ भी कि इनके क्या कमियां थी, हमने क्या किया, हम केवल इतना बताएं, ठीक है सीधा सीधा, नहीं जी हमने तो जो है 1000 वेंटिलेटर ला दिए, हमने तो 10000 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, हमने तो जो 2500 बेड के हॉस्पिटल जो 15 दिन में खड़े कर दिए थे, हमने 70 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, हमने 120 करोड़ लोगों को देश में और उत्तराखंड में जो है पहली डोज 100% लगा दी। केवल इतना बोला, ये ना बताया कि इनके सुनने में क्या है। ये जो आपने अभी लगातार आपने जो ये ठीक है, आपने जो ये एक सांस में जितनी सारी अपनी उपलब्धियां गिनाई है, इनका कोई ऑफिशियल वही खाता है, ऑफिशियल आंकड़े है? बिल्कुल क्यों नहीं खाता, ठीक है। आपने रोजगार कितना दिया है? आपने रोजगार, आपने ठीक है, रोजगार का ऑफिशियल आंकड़ा बताइएगा। 17,000 लोगों को रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, 17,000 17,000 लोगों को रोजगार दिया, 70,000 17,000 और आंकड़ा रखा है 7 दिन पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। आपने 5 सालों में 17,000 उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिया, आप ये कह रहे हैं? सरकारी नौकरी की बात करो, सरकारी नौकरी 17,000 हजारों लाखों लोगों को दिया, 17,000 सरकारी आंकड़े रखे हैं, ठीक है। 17,000 जो आपने सरकारी नौकरियां लोगों को दी हैं, बहुत मासूम सा सवाल है मेरा, ध्यान से सुनिएगा नवीन जी, आप कह रहे हैं कि आपने 17,000 सरकारी नौकरियां लोगों को दी हैं, ठीक है। लोग दरअसल विश्वास नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? लोगों का कहना है कि जब आप एक मिनट सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आपने 17,000 सरकारी नौकरियां देने की बात कही आपने, या आपने कहा कि ये आंकड़ा है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब आप उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हैं, तब आप चाइना के एक एयरपोर्ट की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तब आप मां एक्सप्रेसवे जो कि कोलकाता में, उस एक्सप्रेसवे की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब मैं उत्तराखंड पर आता हूं। आपने कहा कि हमने 17,000 नौकरियां दी हैं सरकारी, आपका यह आंकड़ा है खुद के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है, आपकी सरकारी एजेंसी के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है, लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्या मेरा एक सुझाव मानेंगे कि 17,000 जिन लोगों को आपके द्वारा नौकरियां दी गई हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 17,000 लोग, 17,000 जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं, क्या उनके नाम, फोन नंबर, किस पद पर नियुक्ति हुई है, किस विभाग में नियुक्ति हुई है, इस पूरे कच्चे चिट्ठे के साथ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल सकते हैं? डाल दिया, चेक करवा लीजिए, जितने डिबेट चल रही है चेक करवा लीजिए,
सुबोध उनियाल जी आंकड़े के साथ आए थे। नहीं आंकड़े नहीं, आंकड़े देखिए आंकड़ों, देखिए आप एक बात समझिए, देखिए आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए नवीन ठाकुर जी, फिर नवीन ठाकुर जी आंकड़ों का भांगड़ा जो है वो नहीं करेंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, 17,000 लोगों के नाम, फोन नंबर, नियुक्ति किस जगह पर हुई, किस विभाग में हुई है, क्या ये पूरा एक जो लिस्ट है इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डालेंगे? पूरे तथ्यों के साथ पूरे आंकड़े जो है सुबोध उनियाल जी ने रखे थे, और वो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अगर आप अभी बोल रहे हैं कि 17,000, ठीक है मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा, आपने कहा कि 17,000 सरकारी नौकरियां दी, आप अगर बोल देंगे कि 18,000 सरकारी नौकरियां दी तो इसको जांच कैसे की जाएगी इसकी? हमने कहा कि वेबसाइट पर है। नहीं आपने कहा तो आप, नहीं नहीं आपने कहा नहीं, हम इसको कैसे जांचें? मतलब सरकार का जो प्रवक्ता रख रहा है बात को, आप सूची ले लीजिए या अजय जी बता दीजिए कौन सा तरीका है जांचने का। लोग जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं उससे वन टू वन कर लीजिए, एक एक कर लीजिए। और आप जो कह रहे थे अभी, मैं आपकी दो तीन बातों का और जवाब दूं जिसके साथ था कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपने जो है जेवर एयरपोर्ट का दिखाया तो चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया, लोग विश्वास कर रहे हैं, जनता विश्वास कर रही है। अगर जनता विश्वास ना करती तो मैंने कहा 17 में हम 17 में आ गए। वो तो मैं मान रहा हूँ कि आपने जेवर एयरपोर्ट को चाइना का एयरपोर्ट दिखाया तो जनता ने विश्वास कर लिया था, वो तो बाद में आप एक्सपोज हो गए। नहीं तो जेवर एयरपोर्ट बना नहीं क्या, हमने नहीं दिखाया, कुछ टीवी चैनलों ने दिखाया, सरकार ने नहीं वहां पे चैनलों को दिखाया। आपके कई मंत्रियों ने उसको रिट्वीट किया था, आपके कई मंत्रियों ने उस ट्वीट को भी रिट्वीट किया था। चलिए ठीक है, जब क्या जेवर एयरपोर्ट बना नहीं, क्या एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है? आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, आप जो है यमुना एक्सप्रेसवे का जिक्र भी करिए। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, अजय राणा जी के पास चलूंगा, इसके साथ ही फिर मैं संजय भट्ट साहब के पास भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे जो मैंने आपको सजेशन दिया है, क्या 17,000 लोगों के लिस्ट उनके विभागों के साथ उनके फोन नंबर्स के साथ आप डाल सकते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर? ऑफिशियल वेबसाइट पर है, विभागों के साथ है, नाम के साथ है, नाम फोन नंबर विभाग के साथ नहीं है, नहीं है क्या आप डाल सकते हैं? नाम और विभाग के साथ है तो वो तो निराल जी से संपर्क कर लीजिए, सारी लिस्ट मिल जाएगी, आपके प्रवक्ता हैं। ठीक है, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं? अरे सरकार के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड किया, मैं तो चलिए ठीक है, चलिए आपके प्रवक्ता ने, आपके पत्रकार भी रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए ठीक है ठीक है। अरे रावत के सवाल के जवाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चलिए ठीक है, अजय राणा जी के पास आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार है। अजय राणा जी आप सुन रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, नौकरियों को लेकर, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, क्या कहेंगे आप? जी जिस प्रकार से नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमने जो है अभी 5 साल में 17,000 सरकारी नौकरियां दी है, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम ये बता दें कि विभाग का आंकड़ा दीजिए कि इस विभाग में इतने लगे हैं, इस विभाग में 17,000 लगे हैं। तो मैं कहूंगा अगर 17,000 लगे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि देहरादून के सड़कों पर बेरोजगार जो है भर्तियां आती है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां आई रद्द हो गई, दरोगा की भर्ती आई रद्द हो गई, पुलिस कॉन्स्टेबल की आई रद्द हो गई। ये ऐसे विभाग है जहां मैक्सिमम भर्तियां होती है, लेकिन जब इन विभागों में भर्ती नहीं हुई तो कौन से ऐसे विभाग है जहाँ 17,000 भर्तियां हुई है? तो नवीन जी मैं आपको कहूंगा अगर किया है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आपने अभी बात की जेवर वाली चार धाम परियोजना में जब शुरू हुआ था तब भी यहाँ जो एलिवेटेड रोड दिखाई गई थी कि चार धाम की रोडें जो है इस प्रकार से बनेगी, कोई इसमें जो है बुलडोजर नहीं चलेगा, बिल्कुल जो है एलिवेटेड रोड बनेगी, लेकिन नहीं बनी। हो सकता है कि यहाँ ज्योग्राफिकल जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके कारण न बनी हो। उपलब्धि है आपकी कि चार धाम में जो है योजना बनी है, वो चार धाम के लिए नहीं बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सैनिक के सैनिकों के हिसाब से बहुत अच्छा बना है। लेकिन पलायन, रोजगार और किस क्षेत्र में, जबकि सबसे बड़ा जो यहाँ का पर्यटन है, मैं आज भी आपसे कहता हूँ चाहे हो कांग्रेस हो चाहे वर्तमान बीजेपी सरकार है, कि क्या आपने इन 20 साल में उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कोई नया डेस्टिनेशन दिया हो जिसमें कि पर्यटक आए हो? तो आप ये बताइए नवीन ठाकुर जी, आप बीना जोशी जी बैठे हुए, कि कौन सा ऐसा जो है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, भाई यही तो आपके पास रह गए हैं, इसके अलावा आपने कौन सा ऐसा नया डेवलप किया है, ऐसा डेस्टिनेशन पर्यटन का डेवलप किया है कि जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हो, पर्यटक आए हो? इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह आप लोग फेल है, और केवल ये दावे हैं, घोषणा पत्र में जारी किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में जो है जनता ठगी से रह जाती है, 20 साल से ठगी है, अब आपकी बार फिर जो है बाजार में जो है जनता से ठगी है। ठाकुर जी आप पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय भट्ट साहब के पास चलूंगा। संजय भट्ट साहब,
पिछले एक घंटे के कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही, ठीक है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे सत्ता में रहे हैं, एक दूसरे के पूरक भी रहे हैं, ठीक है, सत्ता में आते जाते रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि अभी जैसा कि अजय राणा जी ने कहा कि लोग यहां पर कर्नल अजय कोठियाल को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पूर्व सैनिक है, लेकिन आपकी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ग्राउंड जो इलाके हैं वहां पर आप हिंदू कार्ड खेलने की, या मैं सीधे कहूं कि कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर्नल अजय कोठियाल को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको तो वोट्स मिलेंगे जितने उनको मिलने हैं, लेकिन वो उसको पर्सनल लेवल पर मिलेंगे। आपकी पार्टी का रोल दरअसल यहां पर जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं देखिए, अजय राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो जो भी बोल रहे होंगे उन्होंने एनालिसिस किया होगा, उनकी बात को मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक देवभूमि होने के साथ साथ सैन्य बहुल प्रदेश भी है, और कर्नल अजय कोठियाल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कारगिल का युद्ध हो या केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण हो उसमें बढ़ करके काम किया, और आज भी उनके शरीर में दो गोली है। एक बार तो ये कहते थे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली की और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, दिल्ली में आपने काम कर लिया लेकिन उत्तराखंड में कैसे करोगे। अरे भैया, कर्नल अजय कोठियाल जी ने जो काम किया केदारनाथ में वो पहाड़ियों पर ही तो किया और पहाड़ में ही किया, और वो स्वयं पहाड़ी है, और कश्मीर में लड़ाई लड़ी तो वो भी पहाड़ में की, तो ये बात कहनी गलत है। दूसरी बात, जो कम्युनल कार्ड की बात की जा रही है, देखिए उत्तराखंड हिंदुओं की, विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है तो उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि देखिए हिंदुओं की भी तो कोई आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए, जैसे दूसरे धर्म की आध्यात्मिक राजधानी है वैसे भी होनी चाहिए, और उत्तराखंड बनती है तो ये हम जैसे छोटे उत्तराखंडियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी विश्व भर के। और साथ ही साथ देखिए, अभी एक बात और कहना चाहूंगा, नवीन ठाकुर जी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं वो बड़े भोले हैं, उन्होंने अभी कहा कि वो मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, कह रहा हूँ तो जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। एक तो ये सरकार के प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के प्रवक्ता है। दूसरी बात, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। इन्होंने अगर रोजगार दे दिया होता तो जब भर्ती के ठीक है, समय की कमी के कारण यही आपको रोकना पड़ेगा। आज पूछता है उत्तराखंड में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूछता है उत्तराखंड में आज हमने बात की कि प्रधानमंत्री मोदी जो कल आने वाले हैं तो वो उत्तराखंड के लिए क्या कुछ लाने वाले हैं, उपलब्धियों पर बात करेंगे, जरूरी है और बात होनी भी चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी जवाब देंगे कि 2017 में जब वो देहरादून आए थे तब उन्होंने कहा था चुनावों से पहले कि डबल इंजन की सरकार आते ही उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास होगा, उत्तराखंड से हम पलायन की समस्या को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। आज उत्तराखंड के हमारे प्रवक्ता कितने रोजगार दिए इसके आंकड़े बता रहे थे। मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करूंगा जाते जाते कि आप एक बार बेरोजगारी के आंकड़े भी देख लीजिए। वो हमको बता रहे थे कि कितने लोगों को महंगाई से निजात दिलाई गई। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार वो महंगाई के आंकड़े उन पर भी नजर डालें। समस्याएं बहुत हैं, बात समाधान की होनी चाहिए, चुनाव करीब हैं, अब असली मुद्दों पर दरअसल चर्चा, बातचीत और बहस होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।